गोपी कहती है और कुछ जानना नहीं, उद्धव जनाने के लिए आए। उद्धव ने कहा सुन तो लो। गोपी ने कहा कहां से सुने? अरे अरे आंधे की सी लाकरी पर आधार श्याम नाम है, और उधो तुम भय बोरे, तुझे छल लिया उस छलिया ने, तुझे तुझे संदेशा देकर भेजा और तू संदेशा लेकर चला आया। अरे संदेशा तो उसे भेजा जाता है जो दूर हो। देख यदि तेरे पास ज्ञान के नेत्र हैं तो देख। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पी, श्याम सुखदाई सो ललई शोभा। अरे उधो तुम भय बौरे, जो पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। हम तो तुझे बड़ा चतुर और ज्ञानी समझती थी, तू बृहस्पति का शिष्य है। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईसरे उधो, सूर हमारे नंद नंदन। गोपी की इस एक पंक्ति पे कोटि प्राण न्यौछावर है। उसने जो जानना था वो जान लिया, उसे उसे बोझ नहीं रखना है, जो आवश्यक था वो जान लिया। सुर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश रे उधो, और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भये दस बीस रे उधो, मन ना भये दस बीस। हमारा तो बड़ा सीधा साधा सा मार्ग है कि आंधे की सी लाकड़ी और आधार श्याम नाम, जैसे अंधे को बस अपनी एक लकड़ी का सहारा होता है ना, ऐसे निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें। प्रातस्मरणीय रसिक पदरेणु श्री हिद्दास जी महाराज कहते थे, निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी हैं या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं, अरे वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा और न देखी यार की आंखें, तो फिर बेकार की आंखें।